रादौर में किसानों के दिल्ली कूच कार्यक्रम को लेकर दिनभर पुलिस प्रशासन रहा सक्रिय। दो किसान नेताओं को किया गया गिरफ्तार। भारतीय किसान यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर वीरवार को दिल्ली कूच किए जाने की घोषणा के बाद रादौर में पुलिस व प्रशासन दिनभर सक्रिय रहा। किसानों को दिल्ली कूच रोकने के लिए पुलिस की ओर से कई जगह नाके लगाए गए थे, जिन पर पुलिस कर्मचारी तैनात रहे। वहीं पुलिस ने दिल्ली कूच को लेकर भारतीय किसान यूनियन रादौर ब्लॉक के उपप्रधान सीटू नंबरदार को रादौर के एक बैंक में जाते समय गिरफ्तार किया, जिसे तहसीलदार के समक्ष पेश किया गया। जमानत न मिलने पर किसान नेता सीटू नंबरदार को पुलिस ने जेल भेज दिया, जिसे अब 27 नवंबर को तहसीलदार के समक्ष पेश किया जाएगा। वहीं पुलिस ने किसान नेता नाथीराम निवासी धोली को भी गांव से गिरफ्तार किया था, लेकिन नाथीराम की तबीयत खराब होने के बाद उसे पुलिस ने वापस गाँव भेज दिया। लेकिन एहतियात के तौर पर रादौर पुलिस का एक कर्मचारी किसान नेता नाथीराम धोली के निवास पर तैनात किया गया है। रादौर के गांव संधाला में शराब के नशे में की गई थी वृद्ध जयपाल की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रादौर के गांव संधाला में दो दिन पहले 62 वर्षीय वृद्ध जयपाल की हत्या मामले में जटलाना पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए हत्या के आरोपी गांव के ही सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने खुद बोला है कि वे दोनों रात को शराब पी रहे थे। देर रात किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ, जिसके चलते सुरेश ने जयपाल के साथ मारपीट की और उसे वहीं छोड़कर अपने घर चला गया था। सुबह जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो उसने शख्स को मृत पाया। उसके बाद आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए दो दिन बाद ही आरोपी सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। दौर में देशव्यापी हड़ताल को लेकर कर्मचारी संगठनों ने सर्व कर्मचारी संगठन की अध्यक्षता में किया प्रदर्शन। ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल में रादौर के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी हिस्सा लिया और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर अपना रोष जाहिर किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान महिला कर्मचारियों द्वारा लोकगीत की तर्ज पर तैयार किए गए एक गीत के माध्यम से अपना गुस्सा दिखाया गया। कर्मचारी नेता प्यारेलाल तंवर ने कहा कि सरकार विभागों एवं उपकरणों के लिए किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाए और जन सेवाओं के विभागों का विस्तार कर जनता को बेहतर जन सेवाएं प्रदान की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर वह किसानों के आंदोलन का भी समर्थन करते हुए कहा कि सरकार किसानों पर थोपे गए कानून वापस ले, नहीं तो देश में खाद्यान्न सामग्री अगर निजी कंपनियों के हाथों में चली गई तो किसान के साथ साथ आम आदमी पर भी महंगाई की मार पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर कोई गौर नहीं किया तो वही इस आंदोलन को तेज करने पर मजबूर होंगे।